नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। 76वां स्वतंत्रता दिवस में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम युवाओं के रोजगार के लिए काम करेंगे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, इनका इतिहास और हम सभी के अनुभव कहता है कि यह इसमें भी यू-टर्न ले लेंगे। आज भारत को आजादी मिले 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद। यह 9वीं बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से शुरू होंगे। प्रदेश के जिले में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए टीम गठन के लिए आखिरी तारीख 16 अगस्त निर्धारित की गई है। इस खेल में लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और शूटिंग वॉलीबॉल खेल खेले जाएंगे। मुंबई में मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फिर से जान से मार देने की धमकी मिली है। इसकी शिकायत डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में की गई है। बता दें कि अब तक उनके परिवार वालों को 8 बार धमकी भरे कॉल किए जा चुके हैं। इस धमकी के बाद मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा और भी बढ़ाते हुए जेड प्लस सिक्योरिटी से CRPF को दे दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 14,917 नए COVID-19 के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,42,68,381 पहुंच गई है। इनमें से 1,17,508 सक्रिय मामले हैं। वहीं इस वायरस से 32 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,52,59 हो गई है। अभी रिकवरी रेट 58.54% है। BSP के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अपार खुशी का मौका जरूर है, लेकिन अगर देश की 125 करोड़ आबादी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं से मुक्त होती तो इसके जश्न में 4 चांद लग जाता। आजादी के अमृत महोत्सव पर विंग कमांडर विक्रांत उनियाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और भारतीय वायुसेना का ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया। उन्होंने 15 अप्रैल को हिमालय के बेस कैंप से चढ़ाई शुरू की और 21 मई को एवरेस्ट की चोटी फतह की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को लखनऊ पुलिस ने यूपी ने राजस्थान बॉर्डर के पास से सरफराज नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसे लखनऊ ले आया गया है। बता दें कि पिछले दिनों यूपी 112 के व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा मैसेज आया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद भारतीय मूल के राजा चारी ने कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। उन्होंने स्पेस सेंटर की एक खिड़की पर भारतीय तिरंगे को रखा और तस्वीरें क्लिक की और अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीयों को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्रालय छूटे रियायतों से मुक्त टैक्स सिस्टम की समीक्षा की योजना बना रहा है। सरकार का इरादा ऐसा कर प्रणाली स्थापित करने का है जिसमें किसी तरह की रियायतें ना हो। इसके साथ ही सरकार छूट और कटौतियों वाली जटिल पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को 5G को लेकर कहा कि भारत को टेकद आ चुका है। हम डिजिटल इंडिया के जरिए जमीनी स्तर पर क्रांति ला रहे हैं। हमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को, रेहड़ी टेढ़ी वालों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को मजबूत करने की जरूरत है। देश के स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत ने अपने प्रतिभाशाली भारतीयों की कड़ी मेहनत के माध्यम से विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत की ओर से श्रीलंकाई नौसेना को समुद्री सर्विलांस एयरक्राफ्ट डोनियर सौंपा जाएगा। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बांगले के साथ भारतीय नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमंडे एयरक्राफ्ट को सौंपने वाले हैं। बता दें कि घोरमंडे 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका में है। समीर वानखड़े ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मल्लिक के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। वानखड़े ने रविवार को महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग की मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई है। समिति ने सरकारी नौकरी पाने के लिए वानखड़े द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कराने के आरोपों की जाँच की थी।
देश की सरहद की सुरक्षा करने वाले रणबांकुरों ने 15 अगस्त के मौके पर देशभक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की है। सिक्किम में सीमा की सुरक्षा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने सोमवार सुबह हाथों में तिरंगा लेकर मार्च किया। 18,800 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने हरभजन बाबा की जय के नारे लगाए। अरुणाचल प्रदेश में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने त्वांग सहित अलग अलग शिखरों पर तिरंगा लहराया। भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 गोल्ड सहित कुल 61 मेडल जीते, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़े कारण बताए। खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता लाने और भाई भतीजावाद खत्म होना ही इसका कारण है। पीएम मोदी ने कहा कि तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और ऐसा तभी होता है जब भाई भतीजावाद से मुक्ति मिलती है। SBI ने मार्जिनल कास्ट ऑफ लेंडिंग रेट यानी MCLR को 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान किया है। SBI की नई दरें आज 15 अगस्त 2022 से लागू हो गई है। MCLR बढ़ने के बाद होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन समेत कई तरह के लोन अब महंगे हो जाएंगे। साथ ही बैंक के ग्राहकों को महंगी EMI चुकानी पड़ेगी। फोर्ब्स के लिस्ट में घट भारतीय कंपनियों की संख्या घट गई है, हालांकि चीन फिर भी मुकाबला नहीं कर पाया है। दरअसल पिछले हफ्ते फोर्ब्स एशिया ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ 200 मध्यम आकार की कंपनियों की लिस्ट जारी की है। 2022 की लिस्ट है जिसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस साल 24 भारतीय फर्मों ने बेस्ट अंडर ए बिलियन लिस्ट में जगह बनाई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जनेश्वर मिस्क पार्क पर तिरंगा फहराने आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई दी और कहा, उन लोगों को भी याद करता हूं जिनकी कुर्बानी और बलिदान की वजह से आज हमारा देश आजाद है। लेकिन देश के सामने चुनौती इस बात की भी है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत के विकास की अगुवाई करते हुए स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा, इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति प्रेरक है और हम इस यात्रा में भागीदार बनने के लिए भाग्यशाली है। सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए बॉलीवुड बायकॉट के कल्चर को लेकर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि फिल्मों को बायकॉट करने की शरारत कुछ लोगों के जरिए की जाती है। ऐसे में इस बहिष्कार मुहिम से फिल्म इंडस्ट्री के नुकसान के साथ साथ इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने वाले लोगों को जल्दी ही इसका एहसास होगा। सोमवार को ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सुशील जी, आपके वक्तव्यों का स्तर उच्चतम है। सच्चाई है कि ना तो नीतीश जी की कभी PM बनने की चाह है, ना किसी से मेरी डाह। आपको स्तर आपके ग्रह नक्षत्र को ठीक कर पुनर्स्थापित करा देगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर एक बार फिर देश की तारीफ की है। पिछले हफ्ते लाहौर में एक विशाल सभा के दौरान इमरान खान की PTI पार्टी ने जून में आयोजित ब्रातिस्लावा फोरम से भारत एक विदेश मंत्री के एस जयशंकर की एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहा कि ये होता है आजाद मुल्क। फोर्ब्स एशिया द्वारा पिछले सप्ताह अपने 2022 संस्करण में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ 200 मध्यम आकार के व्यवसायों की सूची जारी की गई थी। इस वर्ष बेस्ट अंडर ए बिलियन सूची में भारत व्यवसायों की संख्या 24 रही। 2021 में यह आंकड़ा 26 था। एशियाई देशों के मामले में इस संख्या की बदौलत भारत चीन से एक स्थान आगे पहुँच गया। भारत अब चौथे स्थान पर है। सुशील मोदी तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि BJP ने संसदीय चुनाव से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रेलवे, सड़क, हवाई अड्डा और बंदरगाह जैसे ढांचागत निर्माण पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे सरकार नौकरी नहीं रोजगार देने का वादा किया था और उसे पूरा कर रहे हैं। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने अपने पिता के अवशेषों को भारत वापस लाने का आह्वान किया है। जर्मनी में रहने वाली 69 साल की फाफ ने कहा कि वह जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित मंदिर में अपने पिता के संरक्षित अवशेषों से DNA निकालने की मंजूरी देने के लिए तैयार है। अनीता ने बोस के अवशेषों को हड्डियों और दांतों सहित राख के रूप में वर्णित किया है। इस साल लाल किले में सलामी देने के लिए मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी तोप की तैनाती की गई। DRDO की यह तोप -30 डिग्री के ठंडे तापमान से लेकर 75 डिग्री के गर्म तापमान में भी दुश्मन को ठिकाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह 48 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इसे बनाने के लिए स्वदेशी हॉविटजर गन का इस्तेमाल किया गया है। PM मोदी ने महिला क्रिकेटर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ विकेट लेने वालों में शामिल होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उनके चेहरे पर शिमला की शांति और पहाड़ों की मुस्कान है, लेकिन उसकी आक्रामकता सिर्फ बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देती है। रेणुका सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि उनके स्विंग का किसी भी अन्य देश के बल्लेबाजों को कोई जवाब नहीं था।
ओला इलेक्ट्रिक ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार की झलक दुनिया के सामने पेश कर दी है। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ ने कहा कि ये भारत में बनी अब तक की सबसे स्पोर्टी कार होगी। ओला S1 की शुरुआती कीमत 99,999 रुपए होगी। यह ओला का दूसरा इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है जो कि 2024 में आएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सिद्धार्थ कुमार, एश निशा, नुनु कुमार, प्रिया यादव, राम कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मौजूदा समय में आपके हिसाब से सभी भारतीय खिलाड़ियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कौन से खिलाड़ी हैं? आप अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।